पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट के बारे में। आज की डेट है 24/7/2023। यहाँ आपको अपना नेम या अपने टीचर का नेम लिखना है और ये जो है मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। स्टार्ट करते हैं अपने इसके सॉल्यूशन को। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट सीखने वाले हैं, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना। अभी लास्ट वर्कशीट में भी यही सीखा था और इसमें भी यही सीखेंगे, है ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया सम ऑफ द जीरोज ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2/3 एंड द प्रोडक्ट इज 4/5, फाइंड द पॉलीनोमियल। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस तरीके में, हेयर देखो यहाँ आपको सम ऑफ जीरोज दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इनका देखो डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले उसको सेम करो। डिनोमिनेटर में देखो दे क्या रखा है, यहाँ नीचे 3 दे रखा है, यहाँ नीचे 5 दे रखा है, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो, है ना। देखो यहाँ पर सेम हो गया, 15 15 कर लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज यहाँ कितना हो जाएगा, 10/15 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12/15 हो जाएगा। यहाँ देखो बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा और अपॉन में ए हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, 12/A हो जाएगा। इसका मतलब हमें ए की वैल्यू 15 मिल गई है, बी की वैल्यू माइनस का 10 मिल गई है और सी की वैल्यू 12 मिल गई है। और आगे से क्या कर दो, जनरल इक्वेशन में रख दो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ ए एक्स क्या हो जाएगा, देखो 15x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला भी एग्जांपल ऐसा ही दे रखा है। देखो यहाँ पर हमसे बोला गया सम ऑफ जीरोज़ क्या है, -2/3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3 है। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम होने पर क्या कर दो भैया, इनको कंपेरिजन कर दो। सम ऑफ जीरोज़ हमें पता है माइनस का b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। अब a जो है वो 3 हो गया, b जो है वो 2 हो गया और c जो है वो हमारा 1 हो गया। जनरल इक्वेशन में क्या कर दो, इसको पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पर देखो हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि द टू जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज, दो जीरोज दे दिए हैं, हमको पहले क्या निकालना है, फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 + 11 7 बराबर हो गया 4, है ना। और इसके बाद आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा देखो माइनस का 3 × 7 यानी कि माइनस का 21। ये तो हमारा क्या हो गया, माइनस का 21 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेटा आपका, है ना, ये हो गया यहाँ पर सम और प्रोडक्ट जो हमको निकालना था। अब इसके बाद पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट बी, कोफिशियंट बी की वैल्यू क्या होगी। तो बी का देखो क्या होता है भाई, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए। अब यहाँ पर देखो हमारा 4 है, 4/1 यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा, b बराबर हमारा हो जाएगा बेटा, अगले ही स्टेप में जाओगे आप बोलोगे कि जो b है वो b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।